أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما لا بقية الله في الأرضين، أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في قرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربك لبالمرصاد، وقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صلوات. देखते ही देखते या सडनली माहे रमजान अय्याम शहर रमजान कदिन कजत वलियाली है कद तसर्रमत, बिल्कुल आखिरी स्टेजेस में आ गया है। और स्पेशली मेरे लिए तो प्रॉब्लम यह है कि बस अब ये लास्ट टू स्पीचेस हैं, एक आज की और एक कल, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैंने शुरू किए, टच किया और उसको छोड़ दिया कि बाद में इसे कंप्लीट करूंगा, और फिर अब तक उसका चांस नहीं मिल सका। इस्लाम में सोशल लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम, फेसबुक का मसला, आखिरी जमाने में मोमिन के लिए दीन पर अमल करना कितना मुश्किल है, वसीयत के अहकाम, यतीम का माल। आज जब मैं एक मरतबा पलट के देखता हूं कि आज से 10 दिन पहले जब मैंने पहली स्पीच की थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत टाइम है, मैं ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे हाथ से निकल गया, बहुत सी चीजें इनकंप्लीट रह गई। तो दो बहुत छोटी सी बातें आज अर्ज करता हूं, और उसके बाद जो आज का टॉपिक है। पहली चीज यह है कि देखिए, माह मुबारक रमजान मुझ जैसे बीमार आदमी के लिए, जैसे मैं मजलिस पढ़ता हूं तो मेरी मजलिस में कम्युनिटी में स्प्लिट हो जाता, 10% कहते होंगे बहुत सारू पढ़े छे, और 90% कहते होंगे कि बहुत डराते हैं और बहुत खराब पढ़ते हैं। यही मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स मेरे बारे में इस वक्त डिवाइडेड है, स्प्लिट। आधे डॉक्टर कहते हैं कि आपकी डायबिटिक इतनी खराब हो चुकी है कि आपके लिए रोजा रखना हराम, और आधे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप दिन के वक्त कंप्लीट रेस्ट ले तो रोजा रख सकते हैं। अब रोजा तो वाजिबात में से एक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाजिब, चुनांचे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे रख रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से एक प्रॉब्लम यह है कि माह रमजान में अगर मैं कहीं जाता हूं तो जरा कम्युनिटी से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, पूरा दिन मुझे आराम करना होता है और रात के वक्त लोगों को आराम करना होता है। तो यह मैंने इतनी बात सिर्फ इसलिए बताई कि दारुसलाम में 10 साल बाद आया हूं, और अब तक का पैटर्न ऐसा ही रहा कि 84 में आया तो 92 में आया तो 2003 में आया, तो अब तकरीबन 10 साल बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस 10 साल में बहुत से हालात चेंज हो जाते हैं, बहुत से बुजुर्ग इंतकाल कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं, मुझे किसी के पर्सनल मामलात नहीं मालूम।
तो मजलिस में जो बातें होती है बहुत ही जर्नलाइज होती है कि अगर तलाक के बारे में बात हो रही है तो कोई फैमिली मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि जहां तलाक का मसला हो और मैं उसको जहन में रख के मजलिस पढ़ रहा हूं। कभी कभार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता होगा कि जिस टॉपिक पे मैंने मजलिस पढ़ी वही टॉपिक इसी दारुस्सलाम के किसी फैमिली को पेश आ रहा होगा। इन गुड फेथ वो ये समझ सकते हैं कि मौलाना जर्नल बात कर रहे हैं, लेकिन कभी शैतान मिसगाइड भी करता है कि देखो ये पूरी मजलिस तुम्हारे पर्सनल मामले पे पढ़ी गई। तो खैर आखिरी आखिरी दो तकरीरें हैं तो मैं अपनी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दे दूं कि फैमिली मैटर हो या बिजनेस मैटर हो या जो भी मेरे सब्जेक्ट हो वो बहरहाल हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं तो पाए जाते हैं ना। अगर मैं नमाज के फेवर में मजलिस पढ़ूं तो बेनमाजी हर जगह कुछ तो है ना। वो अगर ये समझे कि मौलाना ने हमको टारगेट किया है तो ये उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी जाकिर मेंबर पर किसी इंडिविजुअल को अपने सामने रख के मजलिस नहीं पढ़ता। बातें वही बातें हैं कि जो दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम, हर जगह कुछ शराब पीने वाले हैं तो शराब की मजलिस जर्नल मजलिस है जो इस्लाम में शराब हराम। हर जगह कुछ लोग डिस्को और डांस में जाने वाले हैं, जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो जर्नल बात होगी जो इमाम ने बताई। हर जगह कुछ लोग कैसीनो में जाने वाले हैं, हर जगह कुछ लोग अपनी फैमिली पर जुल्म करने वाले हैं, हर जगह कुछ लोग बिजनेस में फ्रॉड करने वाले। बहरहाल मेरी ड्यूटी यह थी कि एक बार मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि शैतान माह रमजान के आखिर में हमारे और आपके दरमियान कोई गलतफहमी पैदा ना करे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी के पीछे वाली जो गली है या रोड है या सड़क है वहां पे खड़े। रसूलुल्लाह जब मदीने में आए थे तो रसूल ने जो मस्जिद बनाई थी तो मस्जिद की जो बैक वॉल थी वहां पे अपनी सारी वाइफ के मकान बनाए थे और जितने भी रसूलुल्लाह की वाइफ थी उम्मुल मोमिनीन वो सब के दरवाजे एक सड़क पे खुलते थे, एंट्रेंस वहां था। नॉर्मली मुसलमान उस सड़क को यूज ही नहीं करते थे कि यहां से रसूलुल्लाह की वाइफ उनके घर का एंट्रेंस है वो आती है जाती है। लेकिन कभी किसी मुसलमान को बहुत जरूरत पड़ती थी तो वहां से आ भी जाता था। एक मुसलमान वहां से गुजर रहा है, उसने देखा कि उस रोड पर रसूलुल्लाह एक औरत के साथ खड़े हुए बातें कर रहे। उसने फौरन अपनी आंखें नीची की और तेजी से जाने लगा। रसूल ने उसको रोक लिया और कहा कि सुनो, ये जिस औरत के साथ मैं यहां पे खड़ा हूं ये कोई नामहरम नहीं है, ये मेरी बीवी सफिया, पैगंबर की वाइफ में से एक का नाम है सफिया बिनते हई इब्ने अख्तुब। ये खैबर के सरदार की बीवी थी। जो जंगे खैबर आप सुनते रहते हैं तो जंगे खैबर में इनका शौहर या हस्बैंड यहूदियों को लीड कर रहा था और मरहब और अंतर के बाद वो भी मारा गया और ये बेवा हुई और इन्होंने अपनी खुशी से रसूलुल्लाह से शादी की सफिया। पैगंबर ने कहा कि ये मेरी बीवी सफिया, कोई नामहरम औरत नहीं। वो मुसलमान घबरा गया, या रसूलुल्लाह आपने ये एक्सप्लेनेशन क्यों दी है, क्या मेरे मगज में या दिमाग में आपके अगेंस्ट कोई बात आएगी कि रसूल किसी नामहरम औरत को लेकर एक स्ट्रीट पे खड़े। पैगंबर ने फरमाया इन शैतान यजरी फिब्ने आदम का मजरद दम। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, शैतान इस तरह से आदम के बेटे या इंसान को इंसान के जिस्म में इस तरह से सर्कुलेट करता है जिस तरह खून जिस्म के अंदर सर्कुलेट करता है। हमारा कंट्रोल नहीं है अपने ब्लड के ऊपर, तभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, तभी लो होता। शैतान किसी को भी बहका सकता है।
रसूलुल्लाह के बारे में भी दिल में गलत ख्याल आ सकता। इसलिए एटलीस्ट एक बार एक्सप्लेनेशन देना मोमिन की ड्यूटी, फिर लोग माने या ना माने ये उनका काम। तो पहली बात तो मैं वाइंड अप कर रहा हूं अपने 11 दिन के सब्जेक्ट को, और दूसरी बात मुझे ये अर्ज करना कि खोजा कम्युनिटीज और स्पेशली अफ्रीकन खोजा कम्युनिटीज, उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, वो ये है कि जहां पे जाते हैं तीन काम सबसे पहले होते हैं, मस्जिद, कब्रिस्तान, रेसिडेंस आलिम। छोटी सी कम्युनिटी भी होगी जहां पे जाएंगे, 8 और 10 मेंबर्स की कम्युनिटी भी मैंने कनाडा और अमेरिका में देखी, लेकिन एक सेंटर है। यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि मदीने पहुंच के सबसे पहले सेंटर बनाए, दूसरा कब्रिस्तान, और फिर कब्रिस्तान भी इस तरह नहीं कि बना के छोड़ दिए, रेगुलर विजिट करते रहते हैं। अभी ईद के दिन भी कितने लोग कब्रिस्तान जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जहां भी हो एक रेसिडेंस आलिम होता, और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम के मोमिनीन तो बहुत लकी, ये हुज्जतुल इस्लाम शेख मुर्तुजा अली दीना जैसा रेसिडेंस आलिम इस वक्त आपके पास मौजूद। हम जैसे जाकिर जब बाहर से आते हैं तो किसी भी मसले की फुल डिटेल नहीं पढ़ सकते, वरना खाली एक सब्जेक्ट में 11 दिन खत्म हो जाएंगे। हमारा काम यह होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए आपको रिमाइंडर दे कि यह भी इस्लाम में है, यह भी इस्लाम में, और फिर उसकी डिटेल जब आपको मालूम करना हो तो रेसिडेंस आलिम, यह उनकी ड्यूटी भी होती है और वह बड़ी खुशी के साथ मोमिनीन की हेल्प करने के लिए रेडी और तैयार होते हैं। बहुत सारे मोमिनीन ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मौलाना हमारा ये मसला है, हम डिटेल में बात करना चाहते हैं। चले इस वक्त तो मैं माह मुबारक के रमजान में अपनी हेल्थ की वजह से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं नॉर्मल डेज में भी आता तो कितना मैं आपको टाइम दे सकता था, 24 आवर्स में 20 आवर। और कितनी बड़ी कम्युनिटी है दारुसलाम में, 5000 मोमिनीन, कैसे मुमकिन। तो ये जितने मसले आपके दिमाग में आते हैं, ये आपके रेसिडेंस आलिम, और ऐसा रेसिडेंस आलिम आपको मिला हुआ मुझसे ज्यादा आप जानते, तो ये सारी चीजें अब आप इसको बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। ये दो बातें मेरी 10 दिन की स्पीचेस का लास्ट मैसेज था। अब आइए जो स्पीचेस हो चुकी हैं उसके हिसाब से एक मैं बात करूं, और वो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है इस्लाम में, वसीयत। 2 दिन पहले जो हमारी स्पीच हुई थी, यतीम का माल खाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह। रावी ने जाके सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल किया कि मौला मा अकबरुल कबायर। देखिए इस्लाम में 1432 चीजें वाजिब और 1543 चीजें हराम है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको फिगर दिया ये शेख खुर्रे आमिली ने अपनी एक बुक में लिखा, शेख खुर्रे आमिली मशहद मुकद्दस में इमाम रजा के रोजे के सहन में इनकी कब्र है, जहां रोजाना सुबह के वक्त उर्दू जबान में मजलिस होती, शेख खुर्रे आमिली। लेकिन एक दिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहरहाल ये जो मैंने आपको फिगर दिया है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि इसमें फिर हर मर्जे का अपना फतवा होता। कोई चीज ऐसी है जो एक मर्जे के पास हराम है, दूसरे मर्जे के यहां उसकी इजाजत है। बहुत ही क्लियर मिसाल यह कि अहले किताब जिस मर्जे के पास नजीस है वो कहेंगे उसके हाथ की पक्की हुई चीज खाना हराम है, दूसरा मर्जे कहेगा कि वो पाक है तो उसके हाथ की पक्की हुई चीज खाना जायज है। अब हराम की लिस्ट में कम हो गया, एक बढ़ गया।
और चूंकि इस मजमे में भी मुझे हज के बहुत सारे साथी नजर आ रहे और मैं भी कई सालों से हज पे जा रहा हूं, बल्कि अब रमजान के बाद मेरा पहला ट्रेवल ही हज का है, तो हज की मिसाल मरहूम आगा खुई के फतवे में, मर्द अगर रात के वक्त भी बंद गाड़ी में सफर करे एहराम में, मसलन मदीने से मक्के हम आते तो हराम है, और सैयद सिस्तानी और इमाम खुमैनी और आगा खामेनाई वो कहते हैं कि रात के वक्त इजाजत है तो उनके यहां जायज हो गया। ये तो पूरी एक घंटे की स्पीच भी कम होगी अगर मैं एग्जाम्पल देने लगूं। तो खुलासा यह है कि 1543 और 1432 ये शेख उर्रे आमिली के फतवे से थे, लेकिन बहरहाल हर मर्जे का इस लिस्ट के अंदर कुछ एडिशन होगा कुछ डिलीशन होगा। तकरीबन 1500 चीजें हराम है, 1500 चीजें वाजिब, 3000। अब जो 1500 चीजें हराम है, ये जितने गुनाह हैं इनमें 70-70 गुनाह है कबीरा, और 70 में भी 40 और बड़े गुनाह। अब रावी आके कहता है मौला मा अकबरुल कबायर, जो बड़े बड़े गुनाह है गुनाह है कबीरा। ये दो बहुत अच्छी बुक्स हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है, और शायद मैं दोनों बुक से एक एक हदीस पढ़ूंगा, एक तो अभी पढ़ रहा हूं, एक शायद तकरीर में आगे चलकर। मेजर सिन, शहीद दस्ते गैब की एक बेहतरीन किताब है गुनाहाने कबीरा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ईरान से भी प्रिंट हुआ है और बॉम्बे से भी। और दूसरा शेख अब्बास कुम्मी की किताब मनाजिलुल आखिरा, जिसकी एक रिवायत मुझे अभी पढ़ना है फिलहाल 5 मिनट के बाद। बहुत अच्छी दो इंग्लिश किताबें, खुद पढ़िए बच्चों को पढ़ाइए। तो मेजर से उस किताब में 70 बड़े गुनाह लिखे गए। ये रावी जाके कहता है मौला 70 भी बहुत है, मैं तो बहुत शॉर्ट में मालूम करना चाहता हूं मा अकबरुल कबाय, जो 40 बहुत बड़े बड़े गुनाह इनमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से गुनाह। तो 1500 में से 70 बड़े गुनाह हुए, 70 में से 40 या 40 और बड़े गुनाह हुए, 40 में से भी सबसे बड़े। इमाम ने फरमाया उन्ना फी किताब अली इन सबा, उसूल काफी वॉल्यूम 2 की हदीस पढ़ रहा हूं। इमाम ने फरमाया कि मेरे दादा अली की किताब में वो 7 थे, 7। तो 1500 में से 70, 70 में से 40, 40 में से 7। रावी ने कहा मौला वो कौन से 7 हैं, 7 सबसे बड़े गुना। इमाम ने फरमाया अल कुफ्र बिल्ला व कत्ल नस मुहतरमा व उकूकुल वालिदैन व अक्ल माल यतीम ज़ुल्मा व अक्ल रिबा व फरार मिन ज़ुहफ व तअर्रुब बाद अल हिजरा, का ये सबसे बड़े 7 गुना टॉप ऑफ द लिस्ट। पहला तो आदमी काफिर हो जाए कुफ्र, दूसरा किसी बेगुनाह को कत्ल करना, तीसरा वालिदैन की तौहीन और इंसल्ट करना, वालिदैन पे जुल्म करना आके वालिदैन, नंबर 4 यतीम के माल को खाना, 5वां ये ब्याज इंटरेस्ट सूद खाना, 6ठा मैदान जंग से भाग जाना, और 7वां ऐसे मुल्कों में जाके रहना जहां दीन पर अमल करना बहुत ही डिफिकल्ट या नामुमकिन। कोई ऐसे मुल्क की आपको नेशनलिटी या पासपोर्ट या सिटीजनशिप मिल रहा हराम है, जहां दीन पे अमल करना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है। खैर, इसी में छोटा सा बहुत एक लाइन का मसला बताता हूं। रावी ने कहा कि मौला मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग विंटर में ऐसी जगह जाता हूं जहां इतनी सर्दी होती है कि हर तरफ बर्फ है, मुझे पानी भी नहीं मिलता वुजू के लिए। इमाम ने कहा ऐसी जगह बिजनेस के लिए जाना भी हराम, क्योंकि अगर वुजू के लिए पानी नहीं है तो वुजू नहीं कर सकते और तयम्मुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरफ बर्फ है। इसी से आगा सिस्तानी और आगा खुई और दूसरे मर्जे का एक फतवा बना। आजकल यह फतवा बहुत पूछा जा रहा है, आप लोग नहीं पूछ रहे क्योंकि आपको जरूरत नहीं, अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। चुनाचे नॉर्वे और स्वीडन के एक्सट्रीम नॉर्थ में ऐसे इलाके हैं कि जहां पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात है,
या समर में कुछ दिन आते हैं जब सूरज डूबते ही नहीं, पूरे 24 घंटे सूरज रहता, तो रमजान से पहले ये सवाल लोग पूछना शुरू करते हैं। वह अपनी कम्युनिटी है, खोजी हजरात नहीं है, लेकिन अपने शिया सैयद है, सवाल पूछते कि यहां पे अब हम कैसे रोजा रखें, यहां तो सूरज डूबता ही नहीं है, पूरा दिन सूरज रहता। तो जवाब क्या मिलता कि ऐसे मुल्क में रहना हराम है, आपके लिए वाजिब है कि वहां से माइग्रेट करके नियरेस्ट दूसरे मुल्क में चले जाए। फिर आगे लिखते हैं कि अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर ये मसला, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ एक जुमले की एक्सप्लेनेशन, ऐसे मुल्क में रहना जहां पे आप दीन पे अमल नहीं कर सकते। एक औरत ऐसे मुल्क में रहती है जाके जहां वो हिजाब नहीं करती। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कर रहा हूं लेकिन उर्दू में, काश इंग्लिश मेरी अच्छी होती या कम अज कम गुजराती बोल लेता और आपको समझ में आता तो आपको मजा भी आता। वो ये, कनाडा में एक औरत रहती है मसलन, या अमेरिका में या यूरोप में, और कहे कि मैं यहां पे हिजाब नहीं कर रही हूं क्योंकि यहां हिजाब कर नहीं सकती, ऐसे हालात, वो समझेगी कि ये एक एक्सक्यूज बन रहा है, ये तो उल्टा मसला हो गया। अगर वो कहे कि इस मुल्क में मैं हिजाब कर सकती हूं, खुद नहीं करना चाहती हूं, तो वहां पे रहने की इजाजत है, बेहिजाबी का गुनाह मिलेगा। और अगर वो ये कहे कि मैं हिजाब नहीं कर रही क्योंकि यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां तो रहना ही हराम है, फौरन उस मुल्क को छोड़ दो, क्योंकि अकबरुल कबायर में तअर्रुब बादल हिजरा, 7 गुना, यतीम का माल आ गया। अच्छा, इसके अंदर ये हदीस में आपने एक चीज और देखी होगी, इमाम ने 7 बड़े गुनाह बताए, कुफ्र, कत्ल, वालिदैन को आख करना, वालिदैन से आख हो जाना, यतीम का माल, ब्याज, इंटरेस्ट, जिहाद से भागना और ऐसे मुल्कों में रहना। रावी हदीस सुन रहा था, पता नहीं आप सुन रहे थे कि नहीं, लेकिन रावी सुन रहा था, एकदम उसे एक चीज स्ट्राइक हुई, कहा मौला नमाज तो बहुत अहम वाजिब है, इस लिस्ट में नमाज क्यों नहीं है? इमाम ने कहा इस लिस्ट में नमाज है। ये रावी कह रहा है, ये नैरेटर, मौला नहीं है नमाज। इमाम ने कहा मैंने क्या बताया? कहा आपने कुफर, कत्ल, वालिदैन, यतीम, ब्याज, जिहाद, ऐसे मुल्कों में रहना। तो इमाम ने कहा नमाज तो आ गई इसमें, मौला कहां है नमाज? कहा सबसे पहली चीज क्या बताई? मौला नमाज। कहा कुफर। कहा यही तो नमाज है, मा बैनल कुफर वल इस्लाम इल्ला सलात, मन तारा का सलातन मुतामेदन फकत कफर। ये इस हदीस का जुमला, जो जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है वो काफिर हो रहा, कुफर में आ गई नमाज। नमाज ना पढ़ने वाला भी वो फुल फ्लेज काफिर ना सही, छोटा काफिर जरूर बन जाता। तब ये तो मैंने कहा कि नमाज की अहमियत फिर याद दिला, मगर सबसे बड़े ये 7 गुना है कबीरा, अकबरुल कबायर। अब यहां पर ये 7 जो बड़े बड़े गुना, इसके हवाले से एक बहुत ही अहम मैसेज कुरान करीम एक जगह पे ये बता रहा कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम क्यों आते हैं। देखिए हम लोग दुआ तावीज बहुत करते हैं, लेकिन जब तक कि असल जो रूट प्रॉब्लम है उसे दूर नहीं करेंगे, दुआ तावीज का भी क्या फायदा हो। अभी माहे मुबारक के रमजान में आपने कितनी दुआएं पढ़ी, लेकिन कुरान कह रहा है कि बात प्रॉब्लम तुम्हारे घर में अकबरुल कबायर गुनाहे कबीरा की वजह से आते हैं, उसके अंदर दुआ और अमल और तावीज का फायदा नहीं। मैं अपनी मिसाल दे दूं, डॉक्टर दवा दे रहा, इंजेक्शन लगा रहा, इंसुलिन बता रहा, मेरी शुगर कंट्रोल ही नहीं होती। शुगर को किस तरह कंट्रोल करते हैं? डाइट, फिर टैबलेट, फिर इंसुलिन, प्लस वॉकिंग और एक्सरसाइज, सब कर रहा और शुगर मेरी कंट्रोल नहीं होती। पूछता है मौलाना आप खाते क्या है? हमने कहा रोजाना 15 से 20 तो हम गुलाब जामुन खाते हैं। पता नहीं गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, खैर एक ऐसी मिठाई जो शुगर से भरी हुई, डॉक्टर भी सर पकड़ लेगा। सारी दवाएं मैं दे दूंगा बेकार है जब तक कि आप पहले इस जो असल प्रॉब्लम है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। 20-20 गुलाब जामुन एक वक्त में खाते और कहते मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। हम दुआएं पढ़ते, हम माहे रमजान में रातें जागते, सबको आपको सवाब मिलेगा।
और सबका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम देखिए, कुरान कह रहा तुम्हारे प्रॉब्लम कहां से आते हैं, ये आयत में पढ़ रहा हूं सूरह इमाम हुसैन, कुरान का एक सूरह है जिसका नाम है सूरह इमाम हुसैन, उसकी आयत। अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु व नअमहु फयकूल रब्बी अक्रम व इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयकूल रब्बी अहानन। का ये इंसान कभी अल्लाह इसको टेस्ट करता है और बहुत पैसा देता, वो खुश हो जाता है, वो समझता है कि अल्लाह उससे राजी है, दौलत बरकत अच्छा बिजनेस ये साइन नहीं है कि अल्लाह आपसे राजी है, वरना सबसे ज्यादा फिरौन और नमरूद से राजी होना चाहिए। कुरान ने कहा तुम्हारी टेस्टिंग हो रही। वह अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु, और कभी अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता और तुम्हारी रोजी में कमी कर देता, फयकूल रब्बी अहानन, मोमिन कहता है अल्लाह ने तो मुझे लोगों के सामने जलील कर दिया। कुरान कह रहा है कल्ला, रोजी जब कम होगी सिर्फ चार वजह से, बल ला तुक्रिमून अल यतीम, तुम यतीम का हक अदा नहीं करते हो, वला तुहाजुना अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते हो, व ताकुलून तुरासा अक्लन लम्मा, और तुम माले मीरास को खा जाते हो, जो शरीयत का तरीका है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, वह तो हिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, और तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा भरी है, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी रोजी में कमी भी लाता है। वह कल इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा, फिर कयामत का दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा ये चार गुनाहों की कितनी बड़ी सजा है। और सुनो, यही सूरह इमाम हुसैन की आयत, इन रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब पूरे सिरात पर तुम्हारा वेट कर रहा है। यहां तो बच निकलोगे, इसका माल खा गया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, खाली माल की बात नहीं है, कुरान ने इसमें मिस्कीन, इसमें यतीम, इसमें मीरास सब जमा कर लिया, लेकिन एक ऐलान किया इन रब्बका लबिल मिरसाद। मनाजिलुल आखिरा शेख अब्बास कुम्मी की बुक है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मरने के बाद आदमी पे क्या होता। पहला स्टेज क्या है, फिशारे कब्र, मोमिन पहला मरहला फिशारे कब्र, और लास्ट स्टेज क्या है, पुले सिरात, पुले सिरात के बाद जन्नत है मोमिन के लिए, लास्ट स्टेज पुले सिरात जिसके एंड में जन्नत। और रिवायत इमाम की कोट की कि इमाम फरमाते हैं ये जो सूरह इमाम हुसैन में आयत आई इन रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब पुले मिरसाद पर बैठा है, मिरसाद मीन्स पुले सिरात, एक ऐसा पुल जो तलवार की धार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है, बाल से ज्यादा बारीक है, पुले सिरात, पुले सिरात। अच्छा आप जरा कंफ्यूज ना हो, सूरह फजर का नाम है सूरह इमाम हुसैन, मैं दो दफा मैंने सूरह इमाम हुसैन कहा, छठे इमाम की हदीस है कि कुरान का सूरह फजर वल फजर वल यालिन अश्रिन वल शक वल वतर, ये हमारे दादा इमाम हुसैन के लिए नाजिल हुआ, ये सूरह इमाम हुसैन है जिसकी आखिरी आयत आप आशूर के दिन सुनते हैं, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जी इला रब्बी की राजियतम मर्जिया, सूरह इमाम हुसैन, इसमें पुले सिरात का तस्किरा। शहर नजफ शेख अब्बास कुम्मी इस किताब में जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका, एक ऐसी स्टोरी कोट करते जो उनसे पहले उनके उस्ताद मिर्जा हुसैन नूरी ने कोट की और जो उनके बाद शहीद दस्ते गैब ने किताबे बरजख में कोट की, बड़ी अथेंटिक स्टोरी है नजफ अशरफ की। नजफ अशरफ में मौलाए मुत्तकियान के और 150 साल पहले की बात, मौलाए मुत्तकियान के रोजे के बिल्कुल सामने बाबे किबला के सामने जो मार्केट है उसके शुरू में एक अत्तार की दुकान थी, केमिस्ट फार्मेसी, अब वो पुराने जमाने की दवाएं जो हकीम लोग बनाते थे उसको अत्तार कहते थे, बहरहाल फार्मेसी एक अत्तार की दुकान थी। मौला के बाबे किबला के सामने वही जो रोड आगे जाके आयतुल्लाह सिस्तानी के घर पे पहुंचती है, फिर और आगे जाइए तो उसी रोड पे आयतुल्लाह हाफिज बशीर का घर है और जिसके बिल्कुल शुरू में आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम की कब्र, वह वही कहीं पे एक फार्मेसिस्ट फार्मेसी या अत्तार की दुकान, बड़ा पुआस बड़ा नेक बड़ा मतम है, रोजर नमाज जोहर के बाद जब लोग जमात पढ़ के निकलते थे वो सबको अपनी दुकान के आगे रोक लेता था, सिर्फ पांच मिनट की एक स्पीच करता
और इसमें सिर्फ खौफ खुदा, सिर्फ गुनाहों से डराना, सिर्फ तकवे की बात, 5 मिनट इससे ज्यादा नहीं। जैसे मशहूर यह है कि आप हजरात की जमात का भी यह तरीका है, टाइम लिमिट, लेकिन खुदा मालूम पता नहीं आपकी जमात ने मुझे क्यों इतनी फ्री हैंड दे दी, आजादी दे दी, मुझसे पलट के जमात के किसी आदमी ने भी नहीं कहा कि मौलाना एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, रोजाना आपने 15 मिनट ज्यादा लिए। लेकिन खैर एक चीज मशहूर हो गई है, वो बिल्कुल टाइम का पाबंद, 5 मिनट हर आदमी खड़ा हो जाता, और बड़ा पॉइस इंसान, सफेद दाढ़ी, माथे पे सिजदे का निशान। नजफ पे इंडिया का एक प्रिंस, एक शहजादा इंडिया से भाग कर आया। ये वो जमाना था कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर स्टैब्लिश हो रही थी और वहां के शहजादों और बादशाहों को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। ये नजफ में आया और पुराने जमाने के शहजादे अपने साथ हीरे, जवाहरात, डायमंड, इस किस्म की चीजें लेके चलते। बैंक वगैरह तो है नहीं, तो ये इनकी सारी जिंदगी की दौलत होती है, छोटी सी पाउच और उसके अंदर लाखों के डायमंड। वो यहां पे आया, किसी को नहीं जानता। एक मरतबा किसी काम से उसे नजफ से बाहर जाना था, इतनी एक्सपेंसिव पाउच या थैली लेके जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायमंड भरे हुए, वो कैसे ट्रेवलिंग में जाए? पुराने जमाने में तो डाकू बहुत होते थे, 50 साल पहले के हालात देख लीजिए, कितने लोग हज पे जाते थे, खाली मक्के जाते थे, मदीने नहीं जा सकते थे, मक्के और मदीने के बीच में इतनी लूटिंग होती थी। अब इसे जरूरी काम से जाना, ये किसी के पास अमानत रखवाना होगी, लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता। आखिर कहा कि ये जो अत्तार है, बातों से भी बड़ा पॉइस लगता, रोजाना इसकी स्पीच भी ऐसी होती है, और अपने एक्शन से और अपने फेस से और अपनी इबादतों से भी ये बहुत पॉइस लगता, इस पर तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है दिल को। उसके पास गया और कहा कि एक अमानत है, इमाम की हदीस ये कि मोमिन का हक यह है कि अगर वो तुम्हारे पास अमानत रखवाए तो उसे लेकर उसकी हिफाजत करो, उसका भी बड़ा सवाब है। उसने कहा कोई बात नहीं, बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारी अमानत महफूज। ये गया, 2-3 दिन के बाद वापिस आ गए, कहा कि मेरी अमानत। अत्तार ने सर से पैर तक देखा कि तुम हो कौन, मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे, इल्जाम लगा रहे, कौन सी अमानत, कैसी अमानत, तुमने मेरे पास कुछ नहीं रखवाया, तुम बाहर के रहने वाले आउटसाइडर और मेरे ऊपर तोहमत लगाते हो, पब्लिक जमा हो, लोगों ने कहा पकड़ के इस हिंदी शहजादे को मारो, हमारे इतने नेक और मुकद्दस नजफ के रहने वाले नजफी के ऊपर यह तोहमत लगाता। बहुत परेशानी के आलम में वहां से चला, लेकिन जैसा कि मैंने मौला की शहादत की मजलिसों में कहा कि आदमी हर जगह परेशान हो सकता, मुश्किल कुशा के शहर में परेशान नहीं होना चाहिए, ये उसकी दुकान से चला, बाबे किबला से एंटर हुआ, मौला की जरी के सरहाने बैठ गए, वही जगह जहां 2 उंगलियों के निशान है, और कहा कि या मीरल मोमिनीन, आप मुश्किल कुशाए कायनात हैं, आपने अंबिया की मदद की है, आपने औलिया की मदद की है, मैं तो आपके शहर में आपका मेहमान, इस तरह आपके शहर में मैं लुट गया और ऐसे आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, रोता जा रहा है क्योंकि तो उसकी सारी जिंदगी का मसाला, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन डॉलर का मसाला नहीं है, यह शहजादा है। शहजादे तो पहले जमाने में कोई काम भी नहीं करते, यही सारी इसकी दौलत। एक मरतबा 1 मिनट के लिए इसकी आंख लगी, ख्वाब में मौला है, कंधे पे हाथ रखा, कहा परेशान ना हो, कल सुबह नजर से बाहर जाना, जो आदमी सबसे पहले नजर आए उससे अपनी अमानत मांग ले। अब रात को इसे नींद नहीं आई, रात से ही जाके नजफ के दरवाजे पे बैठ गया। पुराना जमाना है जब नजफ की गिर्द वॉल होती थी और उसके दरवाजे होते थे, सुबह दरवाजा खोला, बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला 100 साल का एक इंतहाई बूढ़ा आदमी नजर आए, 100 साल की एज, एक तो बुढ़ापे का वैसे ही नूर होता, और फिर यह कि वह आदमी वाकई बड़ा मुत्तकी लग रहा। इसने उसको देखा और तो कोई नजर नहीं आए, शर्मा के वापस आ गए, मैं इस इतने बुजुर्ग आदमी से कैसे कहूं मेरी अमानत दो, ये अगर पलट के कह देगा भाई मेरा तेरा क्या ताल्लुक,
तो सही कहेगा मुझे कितनी एम्बेरेसमेंट या शर्मिंदगी होगी, शायद कुछ मेरे समझने में चक्कर हुआ है, वापिस आ गया, फिर आके मौला के रोजे में बैठा, सारा दिन रोता रहा, मगरिब के करीब आंख लगी, मौला ने कहा कल सुबह पहला आदमी, दूसरे दिन भी जब बाहर निकला वही आदमी, तीसरे दिन जब बाहर निकला और वही आदमी नजर आया, आज जब मौला के रोजे पे वापस आए और फिर रोता रहा, ख्वाब में मौला आए मगर जलाल में, और कहा कि ऐशब तीन दिन से तुझे एक एडवाइस दे रहा हूं और तू मेरी एडवाइस पे अमल नहीं कर रहा और मुझसे मदद भी मांग रहा है, आज अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसके बाद तुझे तेरा हक नहीं मिलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार इमाम आपकी हेल्प करे एक ही मसले और आप तैयार भी ना हो इमाम की बात मानने को। अब तो ये डर गया कि तो लास्ट चांस है, चौथे दिन में जब गया आउटसाइड नजर सबसे पहले वही नजर आया, बूढ़ा, बहुत बूढ़ा, 100 से ऊपर, 100 प्लस। अब घबरा गया, करीब गया, बोला नहीं जा रहा शर्मिंदगी की वजह से, कहा कि है मर्दे बुजुर्ग, मैंने नजफ के एक मुकद्दस आदमी को अमानत दी और आपसे वह अमानत मांगने आ रहा हूं, यकीन है कि यह आदमी पलट के यही कहेगा कि बेटा मुझ बूढ़े पे तोहमत लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं। जैसे ही ये कहा उस बूढ़े ने कमर पकड़ ली, कहा आह आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा हक दिलवाता हूं, और लेके मौला के हरम में आया। जोर तक दोनों वही बैठे इबादत करते रहे, जोर की नमाज पढ़ के निकले, वही जो अत्तार या केमिस्ट या फार्मेसिस्ट है उसके सामने पहुंचे, वो स्पीच शुरू करना चाहता, ये बूढ़ा आगे बढ़ा, कहा कि आज ये 5 मिनट मुझे दे दो। 100 प्लस की एज, चेहरे से भी इतना तकवा और शराफत। उसने कहा अच्छा आप मेरे वालिद के बराबर हैं, आज आप स्पीच कर। कहा कि नजफ वालों तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे बाप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं तो नजफ का इतना पुराना रहने वाला हूं। आज से 100 साल पहले अपनी जवानी में मैंने अपने नेबर से, जो एक यहूदी था, एक जरूरी काम के लिए 100 दिरहम कर्जा लिया था, और यह तय हुआ था कि रोज आना, हाफ अ दरहम वापिस करूंगा। 10 दिन मैंने उसको 5 दिरहम वापिस किए, फिर मैं काम से बाहर चला गया, वापिस आया तो मुझे खबर मिली कि मेरा पड़ोसी मर गया, 95 दिरहम उसका कर्जा मेरे पास है लेकिन मर गया और नॉन मुस्लिम है। मैंने कोई तवज्जो ना दी, एक रात को सोया तो मैंने देखा कि कयामत का दिन आया, हिसाब किताब हो गया, अनाउंसमेंट हुआ है कि अली के शिया जन्नत की जानिब चले, अली के सारे शिया जन्नत की जानिब चले, सबसे आगे मैं जा रहा था। पुलिस सिरात शुरू हो गए, मैंने पुलिस सिरात क्रॉस किया, पुलिस सिरात पर 7 चेक पॉइंट, 7, एक पर नमाज का सवाल है, एक पर वालिदैन का सवाल है, एक पर जकात का सवाल है, शेख अब्बास कुम्मी की बुक में पढ़ लीजिएगा, ये तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल, खैर इंग्लिश में। खुलासा ये कि मैंने सारा पुलिस सिरात क्रॉस किया, आखिर में पहुंचा जिसका नाम है मिरसाद, जो कुरान ने कहा इन रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब मिरसाद पे तेरा इंतजार कर रहा। यहां पर सिर्फ हुकूक-उन-नास का सवाल होता, यहां पे सिर्फ ये सवाल होता, किसी मोमिन का हक तो नहीं मारा, किसी से कर्जा लेके रोक तो नहीं लिया, बिजनेस पे किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया, मीरास में ऐसा तो नहीं कि भाई और बहन पे जुल्म किया, या सिर्फ हुकूक-उन-नास का सवाल, रुपए पैसे का। नमाज पहले पूछा जा चुका, हज पहले पूछा जा चुका। जैसे मैं वहां पहुंचा और अभी बिल्कुल ये पुलो सिरात का लास्ट स्टेज है, सामने जन्नत का दरवाजा नजर आ रहा, अब मैं बड़ा खुश के जन्नत के करीब आ गया, अचानक नीचे से पुलो सिरात के बिल्कुल नीचे जहन्नम। देखिए एक तरफ कयामत का मैदान है, एक तरफ जन्नत, दोनों को मिलाने वाला पुल या ब्रिज पुलिस सिरात, उसके बिल्कुल नीचे जहन्नम, एकदम जहन्नम की जो आग है, दुआ इफ्तिताह के बाद की दूसरी दुआ, वो जहन्नम की आग, एकदम उसके शोले जो थे वो बुलंद हुए फ्लेम, और वो नीचे से पुलिस सिरात के बराबर आ गए। अब पुलिस सिरात के बिल्कुल बराबर जहन्नम के शोले, नीचे से लेके यहां तक जहन्नम जहन्नम जहन्नम, आग आग आग, और मैंने देखा उसमें एक आदमी जल रहा, पूरा सर से पैर तक एक आदमी जल रहा,
और मुझे देख के हाथ आगे बढ़ाता है कि लाओ मेरा हक वापस करो। मैं घबरा गया, मैंने कहा तू है कौन, हटो यहां से, मैं जन्नती अली का शिया जन्नत में जा रहा हूं, तू जहन्नमी और जहन्नम में आग में जल रहा, तू मेरा रास्ता रोकता। उसने कहा मैं तो रास्ता रोकूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। और ये कह के मेरे आगे आ गए। मैंने फरिश्तों से कहा फरिश्तों देखो ये कितना बदतमीज बेअदब गुस्ताख है, मैं अली का शिया, मुझे जन्नत मिली है, जन्नत मेरे सामने है, ये जहन्नम से निकल के आया जन्नती का रास्ता रोक लिया, अरे फरिश्तों तुम्हें क्या हुआ, हटाओ इसे मेरे सामने से, मेरा रास्ता क्लियर करो। फरिश्तों ने कहा सॉरी, जो जहन्नम से पुलिस सिरात पर आता है वो अल्लाह की परमिशन से आता है, उसको नहीं हटा सकते, आगे बढ़ना है तो इससे नेगोशिएशन करो, जब तक कि ये नहीं हटेगा जहन्नमी आग में जल रहा है। अब मैंने घबरा के उसे देखा, कहा तू है कौन, जो आदमी आग में जल रहा हो ना, पूरी खाल जल गई हो, चर्बी पिघल के आ गई हो, पूरा जिस्म ब्लैक पड़ गया, उसको आप पहचान नहीं सकते। उसने कहा मैं तेरा यहूदी पड़ोसी, 95 दिरहम मेरा कर्जा बाकी था, जब मैं मर गया तो तूने मेरे वारिसों को लाके नहीं दिया, ला मेरे पैसे, और अल्लाह ने मुझे यह हक दिया है जब तक कि तू मेरे 95 दिरहम वापस नहीं करेगा जन्नत में नहीं जा सकता। यह घबरा गए, जरा तो सोचो, ये उससे कह रहा मैं यहां कहां से पैसे लेके आऊं, कफन में जेब नहीं होती, उर्दू की एक कहावत, ये जितनी दौलत, ये जितने डॉलर, ये जितने पाउंड, ये जितने दिरहम, ये जितने दीनार, ये जितने शिलिंग, ये जितनी प्रॉपर्टीज है, ये सब दुनिया तक है, ये कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे, कयामत में तो खाली, यहां मेरे पास कहां है पैसे। भाई तुझे तो जहन्नम मिल ही गई है, मेरी जन्नत क्यों खोटी कर रहा है, मुझे तो जन्नत में जाने दे। कहा नहीं जाने दूंगा, हक लूंगा, और अगर दिरहम नहीं है तेरे पास तो फिर मुझे दूसरा तरीका भी अल्लाह ने बताया। ये कह के उसने हाथ बढ़ाया और एक बार मेरे सीने से पूरा गोश्त का टुकड़ा काट के निकाल लिया और वो लेके जहन्नम में वापस चला गया। ऐ नजफ वालों, ये स्पीच दे रहा है 120 इयर्स का बूढ़ा आदमी, ऐ नजफ वालों 100 साल हो गए इस वाकये को और देखो वो ख्वाब नहीं था। ये कह के एक बार उसने अपनी शर्ट या अपना कुर्ता खोला, नजफ के हर आदमी ने देखा उसके सीने से गोश्त का टुकड़ा गायब का। आज भी सुबह शाम इसमें दर्द और तकलीफ होता, वो तो मैंने ख्वाब से उठते ही उसके वारिसों को पैसे पलटा दिए, वरना तो मुझे नींद भी नहीं आती। किसी का हक न मारना, यहां से निकल जाओगे, कब्र से निकल जाओगे, कयामत से निकल जाओगे, पुलिस सिरात में फंस जाओगे। अल्लाह का ऐलान है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, हर जगह से निकल सकते हो, पुलिस सिरात से नहीं निकलोगे इसलिए कि वहां पे अल्लाह बैठ के तुम्हारा वेट कर रहा। और कुरान कह रहा, एक ही सूरे में दो आयतें, एक अजाब बता रही है और एक दुनिया में आपके प्रॉब्लम्स का रीजन बता रही। दुनिया में प्रॉब्लम भी इसलिए आते हैं और आखिरत में भी इसलिए, मगर अब बिल्कुल मेरी तकारीर इख्तिताम पे है, इसलिए कि कल यानी नेक्स्ट डे टुमारो बहुत छोटी मेरी स्पीच रहेगी, बस ये आखिरी बात सुन लीजिए। मगर इनमें बहुत से ऐसे प्रॉब्लम जो गुनाह की वजह से हमारे घर में नहीं आते हैं, एक तो ये कि हमें गुनाह करना, ऐसा दौलत की मोहब्बत हमारे दिमाग में चढ़ गई कि हमें किसी का हक मारना। हमारे हिसाब से एक आदमी को हमने उल्लू बना के 100,000 डॉलर ले ली, हमको लेना ही लेना। एक होता है ये मसला नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, हमको मसला शरीर पता नहीं। जैसे बेचारी मोमिना दो दिन पहले वाली, क्या वो अपने बेटे का हक मारना चाहती थी? नहीं, लेकिन बेचारी को इतना सा मसला नहीं मालूम था कि शौहर के मरने के बाद उसका माल बीवी का माल नहीं है। यही वजह, एक जुमला शेख अब्बास कुम्मी का मफातीहुल जिनान का, एक जुमला वन ऑफ अवर करंट पराजी आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी का, यही वजह है कि इस्लाम में वन ऑफ द मोस्ट फजीलत वाली इबादत है वाजिबात के मसले सीखना। शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब मफातीहुल जिनान में शब कदर के अमाल लिख रहे हैं। शब कदर गुसल करना है, अमल कुरान करना है, दो रकत नमाज पढ़ना है, विद 7 कुलवल्लाह
या मुलैन अल हदीद की दुआ लास्ट एंड नाइट को पढ़ना है, सारी चीज लिखते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग उलमा ने कहा कि आज की रात सबसे ज्यादा सवाब है बे मुजाकिरतिल इल्मी, अगर इल्म दीन के चंद मसाइल को सीखो। एक बात, दूसरी बात, आयतुल्लाह उज़्मा आगा नासिर मकारे में शीराज़ी मस्जिद आजम में माह मुबारक रमजान की स्पीच दे रहे हैं, मैंने कैसेट में सुना। रसूल खुदा की हदीस कोट करते हैं कि एक मोमिन ने जाके पूछा, या रसूल अल्लाह अगर मुझे मालूम हो जाए कि मरने में एक दिन रह गया, कल मुझे मरना, तो ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा फजीलत वाली इबादत क्या? मेरा दिल चाहे कि जब मैं मरूं तो ज्यादा से ज्यादा सवाब लेके जाऊं, एक दिन रह गया कौन सी इबादत करूं कि अगर मरूंगा तो सबसे ज्यादा सवाब? पूरा नमाज, पूरा 24 घंटे कुरान, पूरा 24 घंटे मसलन हज और तवाफ। पैगंबर ने कहा कि अगर मरने में 24 घंटे रह गए और सबसे ज्यादा सवाब लेना चाहता तो हलाल और हराम के जितने मसाइल सीख सकता है सीख ले। अल्लाह के यहां इस इबादत का सवाब सबसे ज्यादा। वाई वन ऑफ द रीजन कि ये इबादत आप ना करें तो ऐसे गुनाह भी आपसे होते जो आप नहीं करना चाहते। बहुत छोटी एक दो एग्जांपल दे दूं और आज की मजलिस, सॉरी लेकिन बस आज लास्ट डे था, कल तो मुझे टाइम लिमिट से भी 5 मिनट पहले तकरीर खत्म करना। अब ये सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल बात, एक विद इन वन और टू डेज इंटरनेट पर हमारे यूथ एक हदीस को हर जगह सर्कुलेट करने लगेंगे। इमाम अली ने कहा कि अगर किसी पे बहुत सारी कजा नमाजें हो तो वो जुमतुल वदा को एक 4 रकत नमाज पढ़ ले, उसकी सारी कजा नमाजें माफ हो जाएंगी। देयर इज नो वे इन इस्लाम, आपकी जितनी कजा नमाजें उतनी ही आपको पढ़ना पड़ेंगी, कोई शॉर्टकट इस्लाम में नहीं है। मसलन आप पर 100 नमाजें कजा है, 100 पूरी लाइफ आखिरी लाइफ, आपने 99 पढ़ ली, एक नहीं पढ़ी तब भी गुनाह माफ नहीं है, 100 है तो 100 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन गुड फेथ, अभी एक ईमेल हर साल रमजान बिफोर जुमतुल वदा हर तरफ सर्कुलेट की जाती है कि जो लास्ट फ्राइडे 4 रकत नमाज पढ़ेगा उसकी सारी जिंदगी की कजा नमाजें माफ। गलत है। और अगर इस हदीस की वजह से किसी मोमिन ने अपनी कजा नमाजें नहीं पढ़ी कि भाई ये 4 रकत पढ़ लो, वो कजा जो है इतनी सारी वो कौन पढ़े, तो ये बेचारा मोमिन जिसने ये हदीस सर्कुलेट की है, जिसको यही पता नहीं हदीस सही है कि गलत, इसके ऊपर गुनाह आ गया ना। क्यों? वो आदमी तो पढ़ता नमाज है जिसपे कजा, इसकी वजह से उसने कजा नहीं पढ़ी, और जिस आदमी ने रोका कजा, ये गुनाह की नियत से रोका या कुछ पैसे उसको मिल रहे थे या बिजनेस, कुछ नहीं, सिर्फ इन गुड फेथ कि एक अच्छी हदीस हमको मिली है सबको पहुंचा दो। जबकि क्या मालूम इसे कि यह हदीस तो हराम वाले अमल की तरफ ले जा रही। एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने कल आपसे बात की, देखिए अपने हिसाब से अपने लिए यह हदीस बहुत लगी। एक बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल और दे दूं, लेकिन यह अच्छी एग्जाम्पल नहीं। हम लोग हज करते हैं तो हज में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसकी पेनल्टी देना होती है। नॉर्मली एक बकरा गोट, कुछ गलतियों के ऊपर थोड़ा सा आटा। मसलन अगर कोई आदमी एहराम में अपने दाढ़ी पे हाथ फेरे भूले से बाय मिस्टेक और एक बाल टूट गया, तो ये गुनाह तो माफ नहीं है, चुनाचे उसे आटा देना पड़ेगा। या औरत की दाढ़ी नहीं है तो सर पे हाथ फेरा और एक बाल टूट गया, इसकी डिटेल है वो उलमा से पूछिएगा। बंद गाड़ी में मर्द ने सफर किया एक बकरी, शायद अभी तक आपको ऐसा कोई केस ना मिला हो कि किसी को ऊंट देना पड़े। ऊंट कोई छोटी मोटी चीज नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान, शायद वहां की औरतें सबसे ज्यादा उन पर ऊंट का कफारा होता। अब देखिए इतना सा मसाला, ऊंट कितना बड़ा है, ये भी मैं गलत कह रहा हूं, इससे भी बड़ा होगा ऊंट तो, इससे भी बड़ा। और ऊंट का कफारा कब आता है, इतनी छोटी सी नेल पॉलिश, अगर किसी औरत ने अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और इसी हालत में तवाफ किया है वुजू करके, खुद इट्स नेल पॉलिश कोई मसला नहीं,
वुजू, अगर नेल पॉलिश लगी है और वुजू किया तो आम जिंदगी में तो हर एक को पता है वुजू गलत है, नमाजें गलत। लेकिन अगर हज का तवाफ किया है उसने तो हज का तवाफ गलत होने की पेनल्टी नमाज वाली पेनल्टी नहीं है। एक औरत ने नेल पॉलिश लगा के वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी, क्या पेनल्टी है? यह नमाज दोबारा पढ़ो। हज की पेनल्टी क्या है? एक ऊंट कफारे में दे दो। इतनी सी नेल पॉलिश, इतना बड़ा ऊंट देना पड़ रहा है, और यह गलती इतनी ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान की औरतें करती, जानबूझ के नहीं कर रही। किसको शौक है ऊंट अपने ऊपर सवार कराने का? बेचारी औरत का तो कचूमा निकल के रह जाएगा। लेकिन इतना सा मसला नहीं मालूम, इंटेंशन में भी कोई खराबी नहीं है, इतना बड़ा कफारा आ रहा। जो बात मैंने दो दिन पहले इनकंप्लीट छोड़ी थी, अगर हर आदमी इमाम की एक हदीस पे अमल कर ले। इमाम फरमाते हैं कि मोमिन पांच काम बहुत जल्दी करता। जल्दी का मतलब फास्ट नहीं, इमीडिएटली। नमाज, जैसे ही टाइम आ गया नमाज पढ़ो। मैयत को दफन, जैसे ही मैयत हो गई जितने जल्दी दफन करो। बेटी की शादी, जैसे ही एज आ गई जितने जल्दी शादी करो। कर्जे का अदायगी, जैसे ही कर्जे का टाइम आ गया फौरन अदा करो। और वसीयत, ये वसीयत एक ऐसी चीज है जो हमारे 80% वो प्रॉब्लम दूर कर सकती, जो पुले सिरात पर यहूदी ने हमारा रास्ता रोक लिया। विल, हमारे 80, अगर शौहर अपनी बीवी से एक जुमला कहे मैं अपने बच्चों का गार्जियन तुम्हें भी बना रहा हूं, 80% मसले इस एक जुमले की वजह से हल हो जाएंगे, सॉल्व। हमारे यहां शुरू में लोग गलतियां खुद करते हैं, बाद में मर्जे की जान खाते हैं। मर्जे के पास इल्म गायब नहीं है, वो हिप्नोटिज्म नहीं जानता। अब होता क्या, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जो वेस्ट में बहुत है। वेस्ट में यह कि बीवी भी काम करती है, शौहर भी, मैं खत्म मेरी बात, बीवी भी काम कर रही है शौहर भी, बिजनेस शौहर के नाम पर है, बीवी भी काम कर रही है। क्या स्टेटस है इस बीवी का? या एज ए वर्कर काम कर रही है, इसको इतनी पगार मिलेगी जितने एक मुलाजिम को मिलती, या एज ए बिजनेस पार्टनर ये काम कर रही है तो इसका प्रॉफिट में इतना शेयर होगा जितना पार्टनर का होता, कोई चीज तय नहीं होती। अब मर गया शौहर, इसके इस बिजनेस में इसकी बीवी का बिजनेस वाला हिस्सा कितना? उसको उतने पैसे दिए जाएंगे जितने एक नौकर को दिए जाते, या उसको उतने पैसे दिए जाएंगे जितने एक पार्टनर को? न शौहर के जहन में है, ना बीवी के जहन में है, मर्जे भी इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकता। वो वही कहेगा कि अब वाजिब है कि बाकी वारिसों से मुसालेहत कर। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम खुद इतनी गलतियां करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 282 का जो मैंने रेफरेंस दिया, उसमें सिर्फ यही बात है कि हर चीज को डॉक्यूमेंट में लेके आओ। अब ये मीरास की तकसीम, कुरान ने कहा ये कॉज रूट है। अब देखिए बात वहां पहुंची, वह अम्मा इज़ा फ़क़दरा अलैह रिज़्क़हु, जब तुम्हारी रोजी तंग होती है, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीमा वला तअज़ुना अला ताअमिल मिस्कीन, तुमने मिस्कीन को खाना नहीं दिया, तुमने यतीम का हक अदा ना किया, ताकुलून तुरास, तुम मीरास में एक दूसरे का हिस्सा खा गए, और ये जानबूझ के भी नहीं। लैक ऑफ नॉलेज, बीवी को नहीं पता कि अगर मैं बिजनेस में शौहर के साथ बैठूं तो मेरा कितना हिस्सा बनता। शौहर को नहीं मालूम कि मैं बीवी को अपने साथ दुकान पे बिठा रहा हूं तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी और उसकी। कतई इस सिस्टम को इस्लाम पसंद नहीं करता, लेकिन बाकी बातें कल। और ये खाली रोजी का मसला नहीं है, मैंने बार बार कहा कि कॉज रूट, हमारे प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह मीरास के मसले की गड़बड़ है। अब आइए एक आखिरी जुमला सुने और दो मिनट मसाए। आका हुसैन ने आशूरे के दिन जंग शुरू होने से पहले यजीदियों के सामने एक स्पीच कही थी। पहले तो अली अकबर ने अजान दी, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। अब जंग शुरू होने वाली है, इमाम हुसैन ने कहा भैया अब्बास, भाई हबीब इब्ने मुजाहिर, मेरी आर्मी को अभी रोको, आगे बढ़े। इब्ने जियाद के सामने गए, पूरी इब्ने जियाद की आर्मी, जो दो आर्मी के बीच में एक बफर जोन या बैटल फील्ड होता,
और वहां जाके यजीदियों को एड्रेस किया और उसके अंदर सिर्फ एक सवाल कर रहे, तुम मेरे खून के प्यासे क्यों, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, अपना इंट्रोडक्शन कराए। एक इंट्रोडक्शन दमस्कस की मस्जिद में आका सज्जाद ने कराया था, वो बात की चीज थी। एक आशूर की सुबह 30,000 की यजीद की आर्मी को अपना इंट्रोडक्शन कराया, फिर कहा अच्छा मुझे एक नॉर्म आम मुसलमान समझो, ऑर्डनरी मुसलमान, तो ऑर्डनरी मुसलमान को कब कत्ल करने की रजा बताओ, मैंने उसमें से कौन सा जुर्म किया। और उसके बाद आका ने एक जुमला कहा, मुझे पता है कि मैं सारा अमर बिल मारूफ करूंगा, तुम लोगों पे कोई असर नहीं होगा। वाई, रीजन क्या है? ये रीजन नहीं बताया कि तुम यजीदी हो, ये रीजन नहीं बताया तुम मेरे दुश्मन हो, रीजन बताया लकत मोले बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारे पेट में हराम माल गया हुआ। जिसके पेट में हराम पैसे पहुंच जाते हैं वो फिर इतना सख्त हो जाता है कि हुसैन का भी दुश्मन बन जाता। ये आका हुसैन का आशूरे का बड़ा मशहूर खुतबा, इस खुतबे के दो जुमले, एक ये मैंने पढ़ा ये लोग नहीं जानते, दूसरा एक है जो बहुत मशहूर, अल औत अल मौत औला मिन अल आर, ये बहुत मशहूर, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर। जिस खुतबे में आका ने यह जुमला कहा था ना, उसी में यह कहा है वलकत मोले बुतूनुकुम मिनल हराम, हराम खा खा के तुम्हारे पेट भर गए हैं, अब तुम नवासा रसूल को भी शहीद करोगे और तुम फरजंद जहरा के गले पे भी खंजर चलाओ। काज रूट बताए, जिस पेट में हराम जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता इमाम का भी दुश्मन बन जाता। अब एक जुमला कह दूं जिसमें बात नहीं कर रहा हूं, शायद आइंदा कभी रमजान में हूं तो बात करूंगा। हम करबला में नहीं थे लेकिन अभी एक फरजंद जहरा आने वाला है जमाने का इमाम, हमें उसका तो साथ देने की तमन्ना, लेकिन अगर पेट हराम से भरे हुए होंगे तो क्या मालूम हम इमाम जमाने का भी साथ देंगे या उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक तो हदीस में आया कि जितने लोग इमाम जमाने का वेट कर रहे हैं उसमें 70% इमाम के अगेंस्ट हो जाएंगे आफ्टर जुहूर, और एक तारीख ने भी बताया इमाम जमाना का सबसे ज्यादा वेट कौन कर रहे थे उस वक्त, कूफे वाले, कूफे वाले, और सबसे ज्यादा हुसैन के खिलाफ कौन हो गए, यही कूफे वाले, इमाम का वेट करने वाले और इमाम के खिलाफ हो गए, क्यों, पेट में हराम भरा हुआ। अगर कोई कहेगा मौलाना ये आपने कैसे कह दिया कि सबसे ज्यादा दुश्मन कूफे वाले थे, एक दलील से मैंने कहा, पूरे करबला के वाकये में आका ने मोजिजा कहीं नहीं दिखाया, सिर्फ एक जगह मोजिजा दिखाया कूफे में। कौन सा मोजिजा? हुसैन के कटे हुए सर ने नोके नैजा पर कुरान की तिलावत शुरू कर दी, ये मोजिजा, इतना बड़ा मोजिजा है कि सारा कूफा हुसैन के सर के करीब चला गया। मैं कहूंगा आका अगर आप, हम तो समझ रहे थे कि करबला में आपको मोजिजा दिखाना ही नहीं था, अगर आपको मोजिजे की परमिशन थी तो मौला उस वक्त मोजिजा दिखाते जब अकबर के कलेजे में बर्छी उतर रही, मौला उस वक्त मोजिजा दिखाते जब असगर के गले में तीन भाल का तीर लग रहा, मौला उस वक्त मोजिजा दिखाते जब अब्बास की मश्क में हरमुला का तीर बेवस्त हो रहा, मौला मोजिजा दिखाया तो वहां नहीं कूफे में दिखाया। कहा इसलिए कि कूफे का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान था, अकबर के कलेजे की बर्छी हुसैन को कबूल है, असगर का छिदा हुआ गला हुसैन को कबूल है, अब्बास के कटे हुए बाजू हुसैन को कबूल है, मगर कूफा जहां मेरी ज़ैनब कुलसूम नंगे सर मजमा आम में खड़ी है, सारा मजमा ज़ैनब को देख रहा है, यह मुझे कबूल नहीं है। अरे ज़ैनब के पर्दे को बिछा बचाने के लिए मैंने तिलावत कुरान शुरू कर दी ताकि मजमा वहां से यहां आ जाए। अला वलानतुल्लाहि अला आदाएहि मजमईन। परवरदिगारा तुझे वास्ता मेरे मजलूम आका हुसैन के इस इम्तिहान का,
दुनिया भर में जितने जितने हुसैन के चाहने वाले हैं, चाहे वो सीरिया में हो या बहरीन में हो या लबनान में हो या ईरान में हो या इराक में या पाकिस्तान में या जहां जहां, उन्हें जालिमों के हर शर से महफूज फरमा। खुदावंदा आज की मजलिस में भी ये पूरा इतना बड़ा भरा हुआ हाल, खुदावंदा ये मोमिनीन कराम जो इतनी जहमतें उठा के रमजान की इन तारीखों में यहां आ रहे हैं, खुदावंदा इनकी भी तमाम हाजतों को पूरा कर दे, इनके तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा, इनके बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, इनकी रोजियों में बरकत अता फरमा, इन्हें औलाद के हर सदमे और दुख से महफूज फरमा, खुदावंदा इन्हें भी दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।